So, welcome students in BSc SY. So, today we will discuss about the syllabus of your third semester and paper number 6, that is applied microbiology. आप सभी का BSc second year में स्वागत है. और जो syllabus यहाँ पे मैं discuss करने वाला हूँ, actually ये syllabus June 2017 से है और इस साल syllabus change हुआ है. ओल्ड सिलेबस, लेकिन जब नया सिलेबस अपलोड हो जाएगा तब जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट न्यू सिलेबस. सो कीप इन माइंड दैट. और दूसरी बात ये है कि फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 5 पेपर थे. फर्स्ट सेमेस्टर में 2 थ्योरी पेपर्स और उसके बाद थर्ड सेकंड सेमेस्टर में 2 थ्योरी पेपर्स और एक पेपर था आपको प्रैक्टिकल का. अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस है सेकंड ईयर में और वो चेंजेस है. थ्योरी पेपर तो आपको सेमेस्टर 3 में 2 थ्योरी पेपर्स रहेंगे. सेमेस्टर 3 यू विल हैव 2 थ्योरी पेपर्स एंड उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा पेपर यहाँ पे रहेगा और वो रहेगा स्किल एनहांसमेंट कोर्स और शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं SEC. क्योंकि इंडस्ट्रीज में अगर आपको जॉब करना है तो आप में कौन से स्किल्स होने चाहिए उसका एक सेपरेट पेपर हमारे यूनिवर्सिटी में यहाँ पे डिजाइन किया है और वो आपको सेकंड ईयर में और उसके बाद थर्ड ईयर में रहेगा. एंड इन ईच सेमिस्टर, मतलब थर्ड सेमिस्टर में आपको एक SSC या स्किल एनहांसमेंट कोर्स सिलेक्ट करना है और फोर्थ सेमिस्टर में आपको एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स सिलेक्ट करना है. तो सेमिस्टर 3 में आपको 2 थ्योरी पेपर्स रहेंगे, उसके बाद एक स्किल एनहांसमेंट का कोर्स रहेगा. एंड लेटर ऑन इन सेमिस्टर 4, इन सेमिस्टर 4 you are having the same papers, that is 2 theory papers and again you have to select another SEC or skill enhancement course. And जैसे आपको first year में एक ही practical paper था, लेकिन अब इस साल second year में आपको 2 practicals paper रहेंगे, 2 practicals paper रहेंगे. So the total papers, that is 2 थ्योरी पेपर्स ऑफ थर्ड सेमेस्टर, 2 थ्योरी पेपर्स ऑफ फोर्थ सेमेस्टर, 1 SEC ऑफ थर्ड सेमेस्टर, अनदर SEC ऑफ फोर्थ सेमेस्टर एंड दिस 2 प्रैक्टिकल पेपर्स. सो इसका मतलब है टोटल यू आर हैविंग 8 पेपर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. तो अभी थर्ड सेमेस्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं हम, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पेपर नंबर 6 एंड according to that CBCS pattern, choice based credit system, this paper is called as CCMB3 section A. So I am taking this paper here. So we will discuss about this applied microbiology. और marking के बारे में आपको सबको पता है कि जो भी paper आपका रहेगा theory paper 50 marks का एक paper रहेगा एक semester का. उसके बाद उस 50 में से 10 मार्क्स आपके इंटरनल के रहेंगे एंड 40 मार्क्स दैट इज ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम. सो इन दिस वे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में जो भी एज द नेम सजेस्ट हियर, सो दिस पेपर इट इज रिलेटेड टू अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. सो द फर्स्ट यूनिट इन दिस पेपर इज एयर माइक्रोबायोलॉजी, मतलब हवा में संबंधित जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो यूजफुल हो हार्मफुल हो, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस फर्स्ट यूनिट इन एयर माइक्रोबायोलॉजी. सो इन दिस टॉपिक वी विल सी डेफिनेशन एंड कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर की डेफिनेशन क्या है, एयर में कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, दैट वी विल सी हियर. उसके बाद सोर्सेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एयर, एयर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो कहाँ से एंटर होते हैं, दैट वी विल सी अंडर दिस पॉइंट, दैट इज सोर्सेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एयर. उसके बाद नाउ व्हाट एवर दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन एयर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सिग्निफिकेंस क्या है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से है, और अगर एयर में बेनिफिशियल प्रेजेंट है तो हाउ दीज आर बेनिफिशियल. इफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एयर दीज आर हार्मफुल, सो हाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल, that we will see in this second point here. Then we will see these different concept, that is droplet, droplet nuclei, then aerosols. Then we will see about
एन्यूमरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एयर, एयर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसका काउंटिंग कैसे करेंगे, एन्यूमरेशन कैसे करेंगे, दैट वी विल सी इन दिस टॉपिक, दैट इज अंडर एन्यूमरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एयर. एंड लास्टली वी विल सी द डिफरेंस मेथड्स विच आर यूज टू कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एयर. एयर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसका कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन से मेथड्स वहाँ पे है, दैट वी विल सी इन दिस लास्ट यूनिट और सब यूनिट ऑफ दिस एयर माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि एयर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दे कैन स्पॉइल द फूड्स. और अगर ऑपरेशन थिएटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है बिकॉज दे आर दैट मे बी हार्मफुल, सो इट इज वेरी इसेंशियल टू नो द मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एयर. सो दिस इज अबाउट यूर फर्स्ट यूनिट. देन द सेकंड यूनिट इज वॉटर माइक्रोबायोलॉजी. सी द सेकंड यूनिट हियर दैट वी विल सी अबाउट वॉटर माइक्रोबायोलॉजी. सो हियर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर. सो इन दैट वी विल सी टाइप्स ऑफ वॉटर, देन वी विल सी सोर्सेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वॉटर. जैसे हमने एयर के बारे में देखा कि एयर में कहाँ कहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं, उसी तरह से वाटर में कहाँ कहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं, हाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे एंटर इनटू वाटर, दैट वी विल सी हियर. देन नेक्स्ट वी विल सी इंडेक्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. अगर वाटर पोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, या अगर आपको डिसाइड करना है या फिर मालूम करना है, तो देर आर सम इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स आर देयर और इंडेक्स इज देयर, दैट वी विल सी इंडेक्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. एंड लेटर ऑन वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हाउ दे आर यूजफुल टू आइडेंटिफाई और इंडिकेट वेदर दैट वाटर पोल्यूशन इज टेक्स प्लेस और नॉट, दैट वी विल सी हियर. एंड देन वी विल सी दिस इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज कोलिफॉर्म बैक्टीरिया. देन लेटर ऑन वी विल सी माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर इट इज रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ, सो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो और वेरी इसेंशियल टू नो हाउ दैट माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर कैन बी डन. एंड फाइनली वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस विच आर कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजेस है दैट कैन बी स्प्रेडेड और दैट कैन बी ऑकर इन कम्युनिटी बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर. तो ये कौन से डिसीजेस है, उनके सिम्टम्स क्या है, हाउ दिस डिसीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड, देन वी विल सी हाउ दैट कैन बी कंट्रोल्ड. सो दिस इज अबाउट द सेकंड यूनिट दैट इज कॉल्ड एज वाटर माइक्रोबायोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट दैट इज सीवेज माइक्रोबायोलॉजी. सो सीवेज इट इज अ यूज्ड वाटर फ्रॉम हाउसेज, सिंपली वी कैन कॉल इट एज अ, सो बिकॉज देर आर वाटर, देर इज वाटर इज देयर विच इज कमिंग फ्रॉम द हाउस होल्ड यूज वाटर, सो दैट इज सीवेज. एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सीवेज, सो वॉट इज मीन बाय सीवेज, दैट वी विल सी हियर. देन वी विल सी अबाउट कंपोजिशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज, वी विल सी विच कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट सीवेज, देन वी विल मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ दैट सीवेज जस्ट बाय कैलकुलेटिंग दिस बीओडी और सीओडी, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड सीओडी मीन्स हियर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी हियर माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सीवेज, सो विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सीवेज, दैट वी विल सी हियर. देन नेक्स्ट वी विल सी डोमेस्टिक सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब हमारे घर से जो भी वेस्ट वाटर वहाँ पे रिलीज होता है, यूज वाटर वहाँ पे रिलीज करते हैं, सो हाउ दैट कैन बी ट्रीटेड. एंड देन वी विल सी दैट डिफरेंट मेथड्स वी आर गोइंग टू सी अंडर दिस पॉइंट. एंड नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट, दैट इंक्लूड्स प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, सेकेंडरी एंड टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट. म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट मीन्स यहाँ पे अगर लार्ज सिटी में, पॉपुलेटेड सिटी में जो भी वाटर वहाँ पे रिलीज होता है वेस्ट वाटर, सो इफ इट इज रिलीज एज इट इज इन रिवर्स और लेक्स, दैट विल कॉजेस पोल्यूशन इन दैट सराउंडिंग एरिया और इन दैट वाटर इटसेल्फ और दैट वाटर बॉडीज. सो दैट्स वाई इट इज वेरी इसेंशियल टू ट्रीट दैट सीवेज विच इज रिलीज बाय पॉपुलेटेड सिटीज, सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पॉइंट, दैट इज अंडर म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट एंड विच इंक्लूड्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट. एंड लास्टली वी विल सी अबाउट द कंपोस्टिंग. सो दिस इज अबाउट द सीवेज माइक्रोबायोलॉजी. एंड द लास्ट यूनिट ऑफ दिस पेपर इज मिल्क माइक्रोबायोलॉजी. सो इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ
माइक्रोबायोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू मिल्क. इन दैट वी विल सी डेफिनेशन एंड कंपोजिशन ऑफ मिल्क. मिल्क की डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं. ऑल ऑफ यू नो दैट मिल्क इज अ रिच फूड और कंप्लीट फूड विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. देन वी विल सी हाउ दैट मिल्क गेट कंटेमिनेटेड, दैट इज सोर्सेस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ मिल्क. देन वी विल सी डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस इन मिल्क. मिल्क में कौन से डिजायरेबल चेंजेस है, कौन से अनडिजायरेबल चेंजेस है, एंड विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और विच कंडीशंस कैन कॉज दीज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस, दैट वी विल सी हियर. देन नेक्स्ट वी विल सी मिल्क बॉर्न डिसीजेस, बिकॉज देर आर मेनी डिसीजेस आर देयर विच कैन बी ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड मिल्क. सो दैट वी विल सी मिल्क बॉर्न डिसीजेस. देन वी विल सी माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मिल्क. देन वी विल सी अबाउट पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क. ऑल ऑफ यू नो दैट पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क. सो दैट वी विल सी हाउ दैट पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क कैन बी डन, विच आर द डिफरेंट मेथड्स. सो दैट वी विल सी हियर. एंड नेक्स्ट वी विल सी एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डेयरी इंडस्ट्री. डेयरी इंडस्ट्री में, मिल्क इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके कौन से प्रोडक्ट्स वहां पे बनाए जाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी. एंड दैट इज एग्जाम्पल्स एंड माइक्रोफ्लोरा. सो दीज डिफरेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस यूनिट 4, दैट इज मिल्क माइक्रोबायोलॉजी. एंड दीज आर द रेफरेंस बुक्स फॉर दिस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी पेपर. So use this one, that is Air Microbiology and Environment and Health Perspective by Aital, Vakte and Manuwar. Then this one, Fundamental Principles of Bacteriology by A.J. Sale. Then Fundamentals of Microbiology by Martin Forbisher. Then use this also, General Microbiology by Steiner. Then General Microbiology Volume 2 by C.H. Pawar and H.F. Daginwala. Then use this Microbiology by Pelzer and Crick. Use this one also, textbook of Microbiology by Dubey and Maheshwari. And this one is also, that is textbook of Applied Microbiology by Dr. B.M. Sandikar. So this first and last book you can use for your, if you are preparing for MSc Microbiology entrance or Biotechnology entrance, because these books will be good for such preparation as well as for this your regular paper of this applied microbiology. Thank you.